24, a projectile is fired vertically upward with an initial velocity u. After an interval of t seconds, a second projectile is fired vertically upward also with initial velocity u. ठीक है, देखते हैं. अब इसको ध्यान से देखिए. With an initial velocity u, after an interval of t second, मैंने कहा कि t second के बाद एक को फेंका गया. तो मैंने कहा कि s equals to ut minus half dt square. दूसरे का क्या है? s to u t minus t minus half g t minus t का square. अब चूंकि दोनों मिले, कहा है also with initial velocity u. After initial velocity, t projectile is fired vertically upward. A projectile is fired vertical. कहता है दे, हालांकि कोई ऑप्शन में देख, दे मीट एट टाइम है ना. तो मीटिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि एस वन और एस टू क्या रहे होंगे? इक्वल रहे होंगे. तो आप देखेंगे यहां से यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू यू टी माइनस यू कैपिटल टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर प्लस कैपिटल टी का स्क्वायर माइनस टू टी टी. ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा. तो क्या बचेगा? माइनस यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस टी टी जी. ठीक है, तो स्मॉल टी आपको बताना है और ये इधर क्या बचेगा? जीरो. यू टी प्लस जी टी स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू टी अपॉन टी जी. टी से टी खत्म. तो टी की वैल्यू क्या आ गई? यू बाई जी प्लस जी टी बाई टू. नहीं, जी से जी भी खत्म. देख लीजिए, यू बाई जी और यहां पे टी बाई टू प्लस टी बाई टू. और जब इसको आप पुट करेंगे मैक्सिमम हाइट यानी एस वन निकालने के लिए, इसको टी को यहां पे जब आप पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या? ऑप्शन कौन सा मिल जाएगा इसमें आपको? इसमें ऑप्शन मिलने वाला है सी. सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस. क्योंकि देख लो, यहाँ पे निगेटिव साइड आ गया ना, निगेटिव. यहाँ तो पॉजिटिव आ रहा है ना भाई साहब, पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, यहाँ पे निगेटिव है. आप इसको जब आप पुट करोगे इसमें तो ये मिल जाएगा आपको. ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आगे चलते हैं.